Assalamu alaikum. Welcome to everyone in our channel. Hello दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम देखेंगे और इसके बाद कन्वर्जन करेंगे हम कुछ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम नंबर सिस्टम से कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक्चुअली नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ ना 87, और यह हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में ले लिया। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने ले लिया, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमें 9 डिजिट गिवन हो, 0, 1 अप टू 9, बस इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके हम जो है ना नंबर को लिखते हैं ना, इन डिजिट को कंबाइन करके। ये बाद में हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ ना। तो मैंने एक नंबर ले लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में 87, ठीक है। तो ये नंबर जो है ना हम बाइनरी नंबर सिस्टम में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। ये 2 जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर हमने बाइनरी सिस्टम में लिखा है, ठीक है। तो एक नंबर हमने लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में 87, और वही नंबर जो है ना वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0, 1, ठीक है। अब इसी नंबर जो हमने डेसिमल में लिया है ना डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको हम बेस 5 में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 3, 2, 2, 5। नीचे 5 जो है ना ये बेस 5 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यही नंबर जो है ना हम ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 7, 8। और हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 5, 7 और नीचे 16। तो एक नंबर है, डिफरेंट सिस्टम में हम इसको डिफरेंट तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और बस ये सब जो है ना एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। बस सिर्फ सिस्टम में जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग अलग है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि हमें जितने सिंबल या इसको हम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स भी कहते हैं, वो जो गिवन हो उस सिंबल का यूज़ करते हुए हमें पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, हमारे साथ नंबर सिस्टम के डिफरेंट टाइप है। तो फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे साथ जो है ना 10 डिजिट गिवन होते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, अप टू 9। तो ये टोटल 10 डिजिट जो है ना हम 10 डिजिट का यूज़ करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, बस इन्हीं 9 डिजिट को हम यूज़ करते हैं, इनको कंबाइन करके हम एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, बेस 10 नंबर सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 डिजिट होते हैं सिर्फ, ठीक है, वो होते हैं 0 और 1, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 डिजिट है तो इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। जो भी नंबर होना हम 0, 1 के कॉम्बिनेशन से उसको लिखते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे पास
एट डिजिट जो है ना ये सिंबल गिवन होते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है ना जो डिजिट का यूज़ करते हैं वो है एट 0, 1, 2, -7। तो ये टोटल एट बनते हैं ना, तो चूंकि इसमें डिजिट एट है तो इसको हम बेस एट नंबर सिस्टम भी कहते हैं, बेस एट नंबर सिस्टम, ठीक है। और चौथा नंबर है ना हेक्सा डिसिमल। हेक्सा की मीनिंग है ना 16, तो इसमें हमारे पास 16 डिजिट होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, -9, और इसके बाद होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे जो है ना हम 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम जो है ना यूज़ करेंगे 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ना 16 सिंबल, वो कौन कौन से, 0, 1, 2, 9 और इसके बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन ही 16 सिंबल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे साथ वो है बेस 5 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ना 5 डिजिट होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हीं 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। तो इसमें हम जो है डिफरेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, इसी तरह बाइनरी टू ऑक्टल। हम ये डिफरेंट कन्वर्जन हम अभी पढ़ेंगे ना, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम हम पढ़ेंगे कि किस तरह अगर एक नंबर हमें गिवन हो डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको हम किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, 45। यह हमने एक नंबर ले लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में और इसी नंबर को अब हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इसको हम बहुत सिंपली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 45 को हमने 2 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचता है ना वो हमने एक साइड में लिखना है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, इसी तरह हम करेंगे 45। अब 45 को हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 दूने 4 और एक रिमाइंडर में बचता है और वो हमने इधर लिखना है, ठीक है। अब जो है 22 को हमने फिर 2 से डिवाइड करना है, तो 2 एकम 2 11, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। इसके बाद 11 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 5 10, ठीक है, और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचता है। और अब है ना 5 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4, रिमाइंडर में 1 बचता है। तो 2 को हमने अभी 2 से डिवाइड करना है, 2 1 2, रिमाइंडर में 0। यहाँ पे जो डिजिट जब 2 से लेस हो तो यहाँ पे हमने बस स्टॉप करना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली हमने 45 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 × 22, इससे हमारे पास 44, तो 1 रिमाइंडर में। इसके बाद 22 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 11, रिमाइंडर में 0, 11 को 2 से 2 5, ठीक है, और 1 रिमाइंडर में 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2, 1 रिमाइंडर में 2 को 2 से तो 1 और 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने इस तरह करना है कि इधर तीर निशान लगाना है और इसके बाद ऊपर। तो हमने नंबर को किस तरह लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 0 1
101, और यहाँ पे हमने इस तरह नीचे टू भी लिखना है। ये टू जो है ना जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, तो 45 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। लेट सपोज हम एक और नंबर लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में 125 को, ठीक है। अभी 125 को हमने किस तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट 125 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 दूने 12 और 2 दूने 4, रिमाइंडर में 1, 2 3 6, 2 एकम 2, रिमाइंडर में 0, 2 एकम 2, 2 5 10, रिमाइंडर में 1, ठीक है। 7 दूने 14, रिमाइंडर में 1, ठीक है। तो 2 3 6, रिमाइंडर में 1, 2 एकम 2, रिमाइंडर में 1। तो ये यहाँ पे 1 है, ये 2 से ले से, तो यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। तो अब क्या करना है, जस्ट बस इधर तीर निशान और ऊपर, तो हमने इसको इस तरह लिखना है 1 1 या 1 1 1 1 1 0 1, और नीचे 2। तो 125 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम नंबर बाइनरी में जो नंबर हमें गिवन हो, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसको हम वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। बस यही नंबर, लेट्स सपोज मैंने एक नंबर ले लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है, इसको अब हमने वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर। लेट्स सपोज मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है, 101101, ये मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर ले लिया और इसको अब हम वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 1 हमने लिखना है, ये पहले वाला 1, और इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो इससे एक काम करके हमने 2 के पावर में लिखना है, तो ये 6 है, इससे एक काम करके तो यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस अब 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 5 है, तो इससे एक काम 4, इसी तरह हम जो है लिखेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 है यहाँ पे 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 है यहाँ पे 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 है यहाँ पे 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर ये 1 है यहाँ पे 0, ठीक है। तो 2 की पावर 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, तो ये 32, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 की पावर 3, ये 8, प्लस ये 4, ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 0 1 और 1, ठीक है। तो हमारे पास बचता है 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, 32 8 40, और 40 प्लस 4 44 प्लस 1, ये 45। तो ये हमारे पास एक नंबर गिवन था बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसी नंबर को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल नंबर सिस्टम में। किस तरह, कि फर्स्ट 1 हमने लिख लिया और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, तो इससे एक लेस करके 5, 2 की पावर में लिखना है, अब हमने सिर्फ प्लस 0, 0 के साथ 2, तो ये 5 है, तो यहाँ पे 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, इसी तरह बस इसको जो है ना हम सिंप्लीफाई करके तो 45 आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, ये हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, इससे एक हम लेस करके 2 की पावर 6, प्लस इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, प्लस 1 2 3 1 2 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2, तो कितने 1 है, 1 2 3 4
फाइव, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। अभी जो है प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इससे हमारे पास 1 2 5 जो है वो आ जाएगा। तो हमने सीख लिया कि किस तरह हम डिजिमल नंबर सिस्टम से एक नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और साथ साथ हमने ये भी सीख लिया कि किसी तरह अगर एक नंबर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में गिवन हो तो उसको हम किस तरह वापस डिसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने डिसिमल सिस्टम टू ए सिस्टम विद बेस 5 कन्वर्जन हमने अभी सीखना है। लेट सपोज हम डिसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर लेते हैं, ठीक है, तो हम लेते हैं 570। अब हमने इसको बेस सिस्टम विद बेस 5 में किस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, जिस तरह हमने डिसिमल से बाइनरी में जिस तरह हम कन्वर्ट करते थे तो सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन उधर हम 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे जो है ना हम 5 से सिर्फ डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। 570 को अब हमने 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 5 एकम 5 2, तो 5 2 5 5 5 1 5 2 5 4 20, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। अभी 5 से फिर जो है ना 114 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसको हम इस तरह करेंगे कि 5 2 10 1, तो 5 2 10 तो रिमाइंडर में 4 बचता है। ठीक है, अब जो है ना 22 को हमने फिर 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 20 रिमाइंडर में 2, तो यहाँ पे 4 जो है ना 5 से ले सकते, तो यहाँ पे हमने अभी स्टॉप करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ से तीर का निशान लगाना है फिर ऊपर, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 4 2 4 0, तो इसके साथ नीचे पे 5, तो 5 का मतलब है कि ये बेस 5 नंबर सिस्टम जो है ना रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक नंबर गिवन था 570 डिसिमल नंबर सिस्टम में, और इसको हमने बेस 5 नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, हम एक और नंबर लेते हैं 125। अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमने डिसिमल में ले लिया, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बेस 5 नंबर सिस्टम में, तो किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, बस सिंपली इस तरह बस डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 10 2, तो 5 5 25। ठीक है, अभी 5 5 25 रिमाइंडर लिखना है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो 5 एकम 5 रिमाइंडर 0, तो ये 1 जो है 5 से ले से तो स्टॉप करना है यहाँ पे, तो इधर और इधर। ठीक है, तो हमने लिखना है 1 0 0 0, तो ये 125 हमने डिसिमल नंबर सिस्टम में लिया था, और इसको बेस 5 में हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर एक नंबर हमें बेस 5 नंबर सिस्टम में गिवन हो तो हम इसको वापस डिसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो चलो अभी हम सीखते हैं। लेट सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, यही नंबर मैं लेता हूँ, ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 4 2 4 0 बेस 5 नंबर सिस्टम में, अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिसिमल नंबर सिस्टम में, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये 4 जो है ये लिखना है मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको काउंट करना है 1 2 3 4, तो 4 है, इससे एक लेस करके तो 3 प्लस 2 × 5 की पावर 3 है, तो ये आप 2 प्लस 4 × 5 की पावर 1 प्लस 0 × 5 की पावर 0। ठीक है, अब जो है ना 4 × 5 की पावर 3 ना 125 प्लस 2 × 25 प्लस 4 × 5 प्लस 0, तो इससे हमारे पास आता है ना, ठीक है, तो ये 125 × 4 से 500 प्लस ये 50 प्लस ये 20, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 570, तो देखिए 570 को जब हमने डिसिमल से बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अभी जो है ना ये जब हम बेस 5 से डिसिमल में कन्वर्ट कर दे तो ये 570 देता है। ठीक है, तो बस वेरी सिंपल, सिमिलरली हम जो है इसको जो है डिसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो 1 हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाई 5,
तो इसको काउंट करना है 1 2 3 4, तो 4 है, कम करके तो यहाँ पे 3 लिखना है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। तो यहाँ पे ये 5 को हमने 0 तक पहुँचाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 125 जमा यह सब 0 जमा 0 जमा 0, तो हमारे पास 125। तो इसको हमने वापस डिसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमने कन्वर्जन सीखना है, कन्वर्जन ऑफ डिसिमल सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलो हम एक नंबर लेते हैं ना डिसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो हम लेते हैं 7574। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। जिस तरह हम बाइनरी नंबर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, डेसिमल को बेस 5 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते, तो पहले बाइनरी में जो है ना हम 2 से डिवाइड करते थे, बेस 5 में हम 5 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ 8 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 7 5 7 4 8। तो इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 4 6 और रिमाइंडर में 6, ठीक है। 9 4 6 को भी हमने 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 8 और रिमाइंडर में 2, फिर 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 14 और रिमाइंडर में 6, ठीक है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हमने 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 8 2 6, तो 1 यहाँ पे, तो 1 8 से ले सकते, तो यहाँ पे हमने स्टॉप करना है ये और ये। अब हमने किस तरह यहाँ से स्टार्ट करना है 1 6 6 2 6, और नीचे हमने सब्सक्रिप्ट में 8 लिखना है। इसका मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर हमारे पास जो है ना ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अभी एक और नंबर हम लेते हैं, बस एक एग्जांपल काफ़ी है, बस सब जो है ना इस तरह, बस सिर्फ 8 से डिवाइड करना है और यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखना है। अभी हम जो है ना किस तरह अगर एक नंबर हमें गिवन हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसको हम वापस डिसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो चलो हम एक नंबर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो हम यही नंबर लेते हैं, लेट सपोज ये हमने एक नंबर ले लिया ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और अभी हमने इसको डिसिमल नंबर सिस्टम में वापस कन्वर्ट करना है। तो किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, 5 है, एक को लेस करना है, तो 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर को हमने 0 तक लेके जाना है, ठीक है। तो 6 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0, ठीक है। तो 8 की पावर 4 से हमारे पास आता है 4096 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 3 से हमारे पास आता है ना, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, 512 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 8 64 प्लस 8 दोनों 16 प्लस 8 की पावर 0 1, तो हमारे पास ये 6 आता है, ठीक है। तो 4096 प्लस 512 6, इससे हमारे पास 3072 प्लस 64 6 384 प्लस 16 प्लस, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास 7574 ये हासिल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, अगर हमें एक नंबर गिवन हो डिसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम बहुत ईजीली उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर एक नंबर हमारे साथ गिवन हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो वापस हम इसको डिसिमल नंबर सिस्टम में बहुत ईजीली जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे डिसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और इसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डिसिमल नंबर सिस्टम को अभी हमने कन्वर्जन सीखना है। तो अभी हम जो है एक नंबर लेते हैं डिसिमल नंबर सिस्टम में, और उसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो हमने एक नंबर ले लिया 7 6 5 4 7, इसको हमने ले लिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, और इसको अब हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जिस तरह
पहले हमने किया है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 16 से डिवाइड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 6 5 4 7, इसको हमने 16 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 7 8 4 3 3 रिमाइंडर में जाएगा। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि वो 16 से कम हो, ठीक है। अब जो है फिर जो है इसको 16 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारे 299 रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। इसको फिर 16 से, तो हमारे पास 18 रिमाइंडर में हमारे पास आता है 11, ठीक है। अभी जो है फिर 16 से तो 1 और रिमाइंडर में 2, तो ये जो 1 जो है 16 से लेस है, तो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है, ठीक है। तो इधर तीर का निशान ऊपर, चूँकि हमने देखा था ना पहले, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि हेक्सा की मतलब है 16। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे साथ कितने डिजिट गिवन होते हैं? 16। तो वो होते हैं ना 0 1 अप टू 9, और इसके बाद 11 10 11 12 अप टू 15, टोटल जो है कितने होते हैं? 16। तो 10 की जगह हम यूज़ करते थे ए, 11 की जगह जो है ना हम बी यूज़ करते थे, इसी तरह 12 की जगह सी। तो यहाँ पे 11 की जगह हम जो है ना बी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 2 B 0 3 और नीचे 16। तो ये नंबर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन था, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अब हम अगर एक नंबर हमें गिवन हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में? तो चलो हम एक नंबर लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हम वही यही जो है ना इसको हम लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ये नंबर हम लेते हैं, और इसको अब हम वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, चलो अभी हम सीखते हैं। यहाँ पे 1 और 1 के साथ अभी हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है, और 16 के पावर में हमने किस तरह लिखना है, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5, तो एक को लेस करके हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस, इसके बाद प्लस लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3, ये 16 की पावर को हमने 0 तक लेके जाना है, ठीक है। प्लस बी की जगह अब हम बी नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, देखते। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, 16 की पावर 4 से हमारे पास आता है 6 5 5 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 3 से हमारे साथ आता है 4 0 9 6 प्लस 11 16 की पावर 2 से हमारे पास आता है 2 5 6 प्लस इससे 0 प्लस 16 की पावर 0, और ये हमारे पास 3 बचता है। तो इसको हम 6 5 5 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 8 1 0 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 1 6 प्लस 3, इन सबको ऐड करेंगे तो 7 6 5 4 7 वापस। तो अभी हमने सीख लिया कि किस तरह अगर एक नंबर हमें गिवन हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो कन्वर्जन सीख लिया वो डेसिमल का जो है ना बाइनरी के साथ, डेसिमल का बेस 5 के साथ, डेसिमल का ऑक्टल के साथ, डेसिमल का हेक्साडेसिमल के साथ। अभी हम जो है ना कन्वर्जन सीखेंगे बाइनरी का ऑक्टल नंबर सिस्टम के साथ, डेसिमल नंबर सिस्टम, और बेस 5 को अब हम निकालेंगे, बाकी जो है ना जो 3 बचते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑक्टल ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल। तो अभी हम जो कन्वर्जन सीखने वाले हैं वो बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसी तरह ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अभी हमने ये कन्वर्जन सीखना है। जब
डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस फाइव नहीं हो, सिर्फ जो है ना बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल इनका आपस में कन्वर्जन हो, तो इसके कन्वर्जन के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो टेबल जो है ना टेबल का यूज़ करना है सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो अभी हम टेबल सीखेंगे कि किस तरह हम जो है ना इसको टेबल के थ्रू जो है ना हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम वो टेबल का प्रोसीजर जो है ना वो सीखेंगे। तो गाइस, मैंने आप लोगों को कहा कि जब डेसिमल और बेस फाइव ना हो और बाकी जो है ना हम आपस में कन्वर्जन करेंगे बाकी का बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल का, तो हम टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक और वे भी इस तरह ना कि ये जो बाइनरी है इसमें जो है ना हमारे पास टू डिजिट होते हैं, तो और ऑक्टल में जो है ना हमारे पास एट डिजिट होते हैं और हेक्साडेसिमल में हमारे पास 16 डिजिट होते हैं, तो इसको हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 10 होता है, इसको हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बेस 5 जो है उसको हम इसमें 5 डिजिट होते हैं, इसको हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेसिमल का डेसिमल नंबर सिस्टम में जब हमें नंबर गिवन हो तो उसको हमने सीख लिया कि किस तरह हमने दूसरे में कन्वर्ट करना है। अब अगर हमारे पास एक मतलब नंबर गिवन हो बेस फाइव में और हमें कहे कि इसको या बाइनरी में कन्वर्ट करें या ऑक्टल में कन्वर्ट करें या हेक्साम डेसिमल में, इस बेस फाइव का डेसिमल में कन्वर्जन हमने सीखा है। ठीक है, तो बेस फाइव का डायरेक्ट बाइनरी या ऑक्टल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम किस तरह कन्वर्जन करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके लिए हम पहले बेस फाइव से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो गाइस, हम पहले सीखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, अब हम एक नंबर लेते हैं ना बाइनरी नंबर सिस्टम में और इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलो हम एक नंबर लेते हैं 1010 और नीचे हम सब्सक्रिप्ट में 2 लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमने एक नंबर ले लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में और इसको अब हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो गाइस, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि इसके लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे, तो अब इसके लिए हमने किस तरह टेबल बनाना है, तो अभी हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 8 को हम जो है ना इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाना है। ठीक है, टेबल में हमने बनाना है कितने कॉलम, 3, ये 3 कॉलम्स हमने बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरह ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ये 8 है। ठीक है, तो पहले जो है ना हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे कि पहले कॉलम में हम कंसेक्यूटिव 4 0 को लिखेंगे, 0 0 0 0 कंसेक्यूटिव 4 0 हमने लिख लिया, फिर हम कंसेक्यूटिवली ठीक है 4 1s लिखेंगे, 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना हम एक्सटेंड कर दिया, तो यह काम बंद करते। ठीक है, अभी हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है ना, 2। तो अब हमने किस तरह करना है, 2 आ गया तो हमने अभी कंसेक्यूटिवली 2 0 लिखना है यहाँ पे, 0 0, इसके बाद कंसेक्यूटिवली 2 1s। ठीक है, फिर हम कंसेक्यूटिवली 2 0, फिर कंसेक्यूटिवली 2 1s। ठीक है, अब 2 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 1, तो अब जो है किस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। अभी हमने
साइड पे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अक्टल में है, ठीक है, और ये जो है ना बाइनरी में या टेबल में। इसका मतलब है कि ज़ीरो जो है ना अक्टल में वो इक्विवेलेंट होगा बाइनरी में 0 0, इस तरह नीचे 2। इसी तरह 7 जो है ना अगर हम अक्टल में लिख, 7 जो है ना अक्टल में वो किस तरह हम लिखेंगे बाइनरी में, 1 1 1 नीचे 2, ठीक है। तो ये हमने टेबल से किया कि किस तरह हमने टेबल बनाना है जब हम बाइनरी से अक्टल में कन्वर्जन करेंगे। तो इस 8 को हम 2 की पावर 3 से लिख सकते, तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमने 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो 4 आते हैं, तो कंजिकेटिव हमने 4 0 और फिर 4 1 कंजिकेटिवली हमने लिखना है, फिर 4 को 2 से तो 2, तो 0 कंजिकेटिवली फर्स्ट 2 0, फिर कंजिकेटिवली 1, फिर कंजिकेटिवली 0, इसी तरह फिर 2 को 2 से तो 1, तो इसी तरह हम अल्टरनेट 0 1 0 1, ये हमने टेबल सीख लिया, ठीक है। अभी हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है अक्टल नंबर सिस्टम में, तो हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है कि इसको हमने इधर लिखना है 1 0 1 0। अभी हमने लेफ्ट साइड से हमने 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर हो गया। अब 1 के साथ, तो चूँकि 1 सिर्फ सिंगल है, तो इसको हमने पैर मतलब 3 का पैर में लिखना है, तो इसके साथ हम अपनी तरफ से 2 0 जो है लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 पैर। अभी जो है ये पैर हम टेबल में देखेंगे कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो 0 1 0, ठीक है। तो 0 1 0 ये 2 के बराबर है, तो इसके नीचे हमने 2 लिखना है। अभी 0 0 1 को हमने लिखना है, 0 0 1 जो है ये ऑक्टल में 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 ऑक्टल में 2 के बराबर है, और 0 0 1 ऑक्टल में 1 के बराबर है। तो हमने जो है ना इसको इस तरह लिखने है, 1 2 और सबस्क्रिप्ट में ऐड। तो ये जो है ना बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास एक नंबर गिवन था, और इसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम गाइस एक डेसिमल वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, एक नंबर लेते हैं डेसिमल नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो चलो हम लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 1 0 डेसिमल 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी ये हमने एक नंबर ले लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में, लेकिन डेसिमल फॉर्म में। अब हम इसको को कन्वर्ट करना है, इस नंबर को हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जिस तरह हमने पहला एग्जांपल कर दिया, ठीक है, 1 0 1 0 ये जो बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल सेम इस तरह, बस लिटिल बिटल डिफरेंस है, ठीक है। तो डेसिमल से पहले ये जो नंबर है इसमें हमने बिल्कुल उसी तरह पेयर बनाना है, 3 3 3 का पेयर, जिस तरह हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये एक पेयर ये है 3 का, दूसरा ये है और तीसरा ये है, मतलब डेसिमल से पहले हमने राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 का पेयर बनाना है, लेकिन डेसिमल के बाद हमने लेफ्ट से राइट की तरफ हमने 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये एक पेयर ये हो गया, और इस तरह ये 3, ये 2 है, तो इसके साथ इसको 3 का पेयर बनाने के लिए हम 0 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि 0.5, तो 5 के बाद हम जितने भी 0 लगाएंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस अभी हमने 3 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। अभी हमने जो है टेबल में सिर्फ देखना है, ठीक है। तो हमने 1 1 0 को देखना है टेबल में, 1 1 0, तो ये 6 के बराबर है। अभी हमने देखना है 0 1 0 0 1 0, तो ये 2 के बराबर है। और अभी हमने देखना है 1 1 0 1 1 0, तो ये पेयर जो है ना 6 के बराबर है। डेसिमल को हमने अपनी जगह पे लिखना है, 1 0 1 1 0 1, ये 5 के बराबर है। 0 1 0 0 1 0, ये 2 के बराबर है। तो हमने जो है इसको कन्वर्ट कर दिया, 6 2 6 5 2। तो हमारे पास नंबर गिवन था बाइनरी नंबर सिस्टम में, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया
ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अभी गाइज हम कन्वर्जन सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर गिवन हो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो हम इसको बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी हो या बाइनरी टू ऑक्टल हो, टेबल बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल ही सेम है। बस वही एक ही टेबल बनाना है, जिस तरह हमने वो पहले टेबल बनाया था, बिल्कुल ये हमने जो बनाया था बिल्कुल यहाँ पे मैंने वो कॉपी किया है, बिल्कुल उसी तरह टेबल बनाना है। ठीक है, तो अब हम एक नंबर लेते हैं ना ऑक्टल नंबर सिस्टम में। लेट सपोज मैं लेता हूँ एक नंबर 6 6 8। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने एक नंबर ले लिया। अब हमें इसको किस तरह कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो अब हम इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 6 तो लेफ्ट से ये 8 तो 8 सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है ना एक डिजिट 0 to 7 होता है, 8 हम ले भी नहीं सकते। सॉरी यार, यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 6 6 नहीं, बस यहाँ पे मैं थोड़ा जो है ना 6 3। यह हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो अब जो है ना हम 3 3 क्या आगे किया है 0 1 0, तो यहाँ पे 0 1 3 की 3 0 1 1 और 6 6 की जगह 1 1 0 1 1 0। ठीक है, 3 की जगह जो है 3 की जगह पे हमने जो है अपना वैल्यू लिख लिया और 6 की जगह पे हमने अपना वैल्यू लिख लिया, तो यहाँ पे 2। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमें नंबर गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, बाइनरी नंबर सिस्टम। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते 6 7, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो 6 चूँकि 1 1 0 के बराबर है और 6 की जगह पर जो है अपना वैल्यू बिल्कुल 6 की जगह पे लिखना है और 7 की जगह पे 7 की जगह पे, तो और 7 किस चीज़ के बराबर है 1 1 1 1 1 1। अभी एक डेसिमल वाला हम लेते हैं। ठीक है, 6 7 3 2 8। अब हम तो 6 7 की जगह यहाँ पे ये लिखना है, बिल्कुल सेम वही था उसी तरह डेसिमल 3 3 की जगह पे हमने लिखना है 0 1 1 0 1 1 और 2 की जगह पे 0 1 0 0 1 0। और यह है, यह इस तरह भी हम लिख सकते हैं क्योंकि इस 0 का कोई, इस 0 को अगर हम उड़ा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सपोज आपको दिया है एमसीक्यूज में कि ये ऑक्टल में है और इसको आप जो है बाइनरी नंबर, ये जो है 2 है। ठीक है, तो इसको जो है ना आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दे, तो जो है ना हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। लेकिन उधर एमसीक्यूज में अगर ये फॉर्म दिया हो ये नहीं दिया हो तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस 0 को अगर हम उड़ा देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम जो है ना अभी जो है हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, तो इसके लिए जो है हम पहले टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम टेबल किस तरह बनाएंगे, चाहे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक नंबर को या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, दोनों के लिए टेबल जो है एक ही टेबल है और उसको हम किस तरह बनाएंगे। तो चूंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल में नंबर ऑफ डिजिट 16 होते हैं, तो 16 जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम जो है 4 कॉलम पहले बनाएंगे, जिस तरह मैंने पहले से बना लिया है 1 2 3, सॉरी ये तो 3 है, एक और जो है हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये 4 हो जाए। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, और जो है ये टोटल 16 है, तो हमारे पास रोज जो है वो 16 हो गए। ठीक है, अब हमने किस तरह जो है करना है, अब हमने 16 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 8। तो पहले कॉलम ने हमने किस तरह करना है कि यहाँ पे 8 है, तो पहले हमने कंसेक्यूटिवली 0 को लिखना है। ठीक है, 0 मतलब 1 0 2 3 4 5 6
सेवन एट। इसके बाद कंजेकटिवली एट वंस लिखना है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, अब हमने क्या करना है, एट को टू से डिवाइड करना है, हमारे पास फोर आता है। अभी हमने क्या, पहले कंजेक्टिवली फोर, ठीक है, कंजेक्टिवली फोर हमने ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो बिल्कुल इसी के सामने, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे रो भी बना लिए तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। अब जो है वन 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 फोर, फिर ज़ीरो 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 ज़ीरो, फिर वन 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 वन। अब हमने फोर को टू से डिवाइड करना है तो हमारे पास टू, तो अब हमने पहले दो ज़ीरो लिखने हैं, फिर इसके बाद दो वंस, फिर दो ज़ीरो, फिर दो वंस, फिर दो ज़ीरो, फिर टू वंस, फिर दो ज़ीरो, फिर टू वंस। अभी टू को हमने टू से डिवाइड करना है तो हमारे पास वन, तो हमने अभी हमने क्या करना है, पहले ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व। तो हमने टेन की जगह हमने उधर यूज़ कर देते हैं, टेन हम नहीं लिखेंगे, टेन की जगह हम ए लिखे ए लिखते हैं, एलेवन की जगह बी सी डी ई एफ। तो ये जो है हेक्साडेसिमल है और ये बाइनरी, ठीक है। ये हमने टेबल बना लिया, तो टेबल हमने बना लिया, टेबल का बनाना हमने टेबल हमने सीख लिया कि हम किस तरह टेबल बनाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम में, वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो, ये मैंने एक नंबर ले लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो चूंकि टू की पावर फोर है तो यहाँ पहले हम जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे टू की पावर थ्री तो हम थ्री थ्री का पेयर बनाते थे, अब हम फोर फोर का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से हम फोर फोर का पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे टेबल में कि ये जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो जो है ज़ीरो वन वन ज़ीरो, तो ज़ीरो ये कहाँ पे, ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो, तो ये जो है सिक्स के ज़ीरो वन वन ज़ीरो बिल्कुल। और दूसरा है वन वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन और ये डी, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास एक नंबर गिवन था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अभी हम एक डेसिमल वाला लेते हैं, बिल्कुल डेसिमल से पहले हम बिल्कुल यही लेते हैं और डेसिमल के बाद हम ये लिखते हैं। और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह बिल्कुल जो है सेम ये लिखना है डी सिक्स और वन वन ज़ीरो वन वन, तो वन 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 ज़ीरो वन किधर है, वन वन ये मैंने एक को कम कर दो, ठीक है, वन वन ज़ीरो वन, ठीक है, वन 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 ज़ीरो वन, तो ये किस चीज़ के बराबर है, डी। तो हमने इसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो है ना हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में था और इसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिख लिया। अगर यहाँ पे मैं लेट सपोज वो वन जो है ना वो लिख लो, उसको मैं नहीं मिटाता हूँ, तो फिर हम इसके साथ जो है ना थ्री ज़ीरो जो है ना ऐड करेंगे ताकि ये फोर का पेयर बन जाए, तो फिर जो है वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डी सिक्स डी और इसकी जगह वन
इधर 100 इसकी जगह हमारे पास 8 आता है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बस सिर्फ टेबल बनाना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो बस इसका यूँ मतलब है कि आप लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया। अभी हम जो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक लेट्स सपोज हमने हेक्साडेसिमल में एक नंबर ले लिया और इसको हमने वापस बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो ये 6 है तो हमने यहाँ पे 6 के सामने लिखना है, 6 के सामने किया है 0110, तो 0110 और डी के सामने किया है 1101, तो लिखना है 1101 1101, और इसको तो यह हेक्साडेसिमल में हमें गिवन था और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। लेट सपोज ये है ना, ठीक है, ये मैं इस तरह लिखता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, 0110 1101, ये बाइनरी में इसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसको हमने किस चीज़ में, सॉरी मैंने बाइनरी में लिया, मैं ये लेता हूँ, ठीक है, D6D8, ये हेक्साडेसिमल में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो किस तरह हम कन्वर्ट करें, तो 6 के सामने हम, तो D6 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है, वो ये है मेरे ख्याल में D6, बिल्कुल यही है 1101010, डेसिमल को हमने लिख दिया। तो अभी डेसिमल के बाद क्या है, 1101 किधर है, 1101 1101, तो ये डी, सॉरी यार, D6 की जगह हमने ये लिख लिया। अभी जो है डी के सामने किया है, डी के सामने 1101, तो उसका वैल्यू हमने लिखना है यहाँ पे, ये डेसिमल इस तरह, इसकी जगह हमने लिखना है 1101 और 8 के सामने किया है, ठीक है, 1000 1000, तो ये हमने हेक्साडेसिमल में क्यों था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो अभी गाइस हमने सीखना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, वो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमें एक नंबर गिवन है 268, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको, ये हमें गिवन है ऑक्टल नंबर सिस्टम में और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि पहले हम जो है 268, ये जो हेक्साडेसिमल में, इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 268 ये पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें और फिर इसके बाद डेसिमल से डायरेक्ट हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह करते हैं ना कि इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 26 जो है, जब हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि इसके लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे, इसके लिए टेबल बनाना हमने सीखा था, तो ये टेबल हमने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। तो 26, तो जो है 6 के सामने किया है 110, तो यहाँ पे हमने लिखना है 6 के सामने किया 110 और 2 के सामने किया है 010 010, ठीक है, यह हमने ऑक्टल से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने जो है इसको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि हमने सीखा था कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल, जब बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए टेबल बनाना हमने सीखा था, बिल्कुल यही टेबल है, टेबल हमने ऑलरेडी बनाया है। और इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि हम 4-4 का पेयर बनाएंगे और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो ये 4 पेयर हो गए और ये 4 नहीं है तो इसके साथ 20 हम ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखेंगे 101101, इसको हम देखेंगे 0110 0110, तो ये 6 के बराबर है, इसकी जगह हमने 6 लिख लिया। इसके बाद है 0001 0001, तो यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह हमने 1 लिख लिया, ये हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब अगर एक नंबर हमें गिवन हो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो उसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो बिल्कुल ये एग्जांपल हम लेते हैं। लेट सपोज ये नंबर हमें गिवन है किस चीज़ में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 6, तो
जब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, तो इसके लिए हम टेबल बनाते थे। टेबल हम बनाना हमने ऑलरेडी सीखा है, तो यहाँ पे हमने टेबल लिखा है, ठीक है। तो सिक्स, तो सिक्स के सामने क्या है, 0110, देखो 0110, और वन के सामने क्या है, 0001, 0001। लेट सपोज ये हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम बाइनरी से ऑक्टल में, तो बाइनरी और ऑक्टल कन्वर्जन के लिए अलग टेबल है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बनाया है, ठीक है। तो अब हम जो है ना थ्री थ्री का पेयर बनाएंगे, कितनी, थ्री थ्री का, ये थ्री और ये थ्री, ये। तो अब हम 0 1 1 0 1 1 ज़ीरो किधर है, 1 1 0 1 1 1 0, तो ये क्या है, सिक्स, सिक्स लिख लिया। 0 1 0 किधर है, 0 1 0 0 1 0, इसकी जगह टू, ये 0 0 है, बस ये ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम एक और, तो ये ज़ीरो, तो इसको अगर हम लिख ले, नहीं ना लिख ले, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको हम इसी तरह छोड़ते हैं। तो हेक्साडेसिमल से जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो इसको पहले हम बाइनरी, और बाइनरी से किस चीज़ में, ऑक्टल में। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें, और फिर डेसिमल से फौरन जो है ना हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दें। तो यह था नंबर सिस्टम, हमने इसको बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है कहाँ पे, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।